तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो जबकि लिख के आओ मैं न्यू टी वी जुपिटर का इलेक्ट्रिक मॉडल एंड एक्टिवा का इलेक्ट्रिक मॉडल तो भाई ये फाइनली लॉन्च होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में 2024 में ये फुल अपडेट आ चुकी है अगर आप चैनल पे न्यू है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए चलिए शुरू करते हैं तो भाई जैसे ही हमने कुछ टाइम पहले वीडियो में बताया था जो टी वी का इलेक्ट्रिक मॉडल है उसका जो पेटेंट है वो लीक हो चुका है एंड गई जो फाइनली जो एक्टिवा है उसने भी अनाउंसमेंट कर दी कि भाई नेक्स्ट ईयर में हम भी अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाले हैं तो भाई देखा जाए तो मार्केट में वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है ओला एथर ओकिनावा चेतक बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑलरेडी आ चुके हैं लेकिन भाई लोगों का अभी भी वेट है भाई टी वी एस का इलेक्ट्रिक स्कूटर का एंड एक्टिवा का इलेक्ट्रिक मॉडल का क्योंकि ये दो मॉडल बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाले हैं क्या आप मेरे बहुत सारे लोग लेने सोच रहे होंगे लेकिन भाई इनका अगर आप वेट करना चाहते हो तो वेट कर सकते हो क्योंकि भाई ये अपडेट देना इसलिए भी खास होता है जो टी वी एस के सी ओ हैं के एन राधाकृष्ण उन्हें रिसेंट कॉन्फ्रेंस में रिवील भी किया है कि जो टीवी जुपिटर का इलेक्ट्रिक मॉडल है वो हम 18 मंथ के बाद ही लॉन्च करेंगे तो 18 मंथ का मीन आपको मार्च और अप्रैल में इजिली देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर में और भाई जब एक्टिवा वाले हैं तो उन्होंने भी स्पेशली बोल रखा है कि भाई जो एक्टिवा का लेटेस्ट मॉडल है वो आपको अब आप इलेक्ट्रिक में ही देखने को मिलेगा लेकिन भाई अभी एक्टिवा का एक और मॉडल आना अभी बाकी है उसका जो लॉन्च है वो आपको दिवाली में देखने को मिल जाएगा जो अभी रिसेंटली उसके बाद नई मॉडल आएंगे सारे इलेक्ट्रिक में ही आएंगे मतलब एक्टिवा और जुपिटर के सारे मॉडल इलेक्ट्रिक में आएंगे क्योंकि इनकी जो सीरीज है वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगी वहीं अगर मैं बात करूँ बैटरी की तो भाई फाइव किलो वोट से लेके ट्वेंटी फाइव किलो वोट की बैटरी दोनों में ही देखने को मिलेगी एंड दोनों के जो प्राइसेस वगैरह हैं वो भी काफ़ी जबरदस्त आने वाले हैं कि लोगों को बहुत ज्यादा ट्रस्ट है भाई होंडा और जुपिटर लेके लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं तो इनकी जो ऑडियंस है वो ऑलरेडी बनी हुई है अब जुपिटर का जैसे आपने देखा हुआ है भाई जो आईक्यूब है उसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स मार्केट में देखने को मिला इसलिए देखा जाए तो टी वी एस जुपीटर का इलेक्ट्रिक वर्जन आने वाला है तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी चेक कर चुके हैं भाई क्या मार्केट है क्या नहीं है तो और वैसे ही अगर मैं बात करूँ एक्टिवा की तो एक्टिवा गाई कुछ बड़ा करने वाला है क्योंकि एक्टिवा देखा जाए तो ज़्यादा अपडेट नहीं कर रहा है अपने मॉडल्स में लेकिन ये कुछ सोच रहा है कि भाई कुछ बड़ा निकालने वाला है तो अब वेट रहेगा गाड़ी जो ये दो महारथी हैं ये कब आने वाले हैं और वैसे अभी एक चीज़ और सुनने में मिली है इन दोनों में आपको तीन तीन मॉडल मिलेंगे मतलब एक आपको सेवेंटी थाउजें का क्राउंड मिलेगा एक आपको नाइन्टी थाउजें का राउंड मिलेगा एक आपको एक लाख ट्वेंटी का राउंड देख रहे